हाय, कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हजारों सालों से अर्थ पर है। हर बार मरने के बाद वो वापस जिंदा होता है, लेकिन पिछले जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। और अचानक से एक दिन उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली गॉड है। सो कहानी की शुरुआत ब्रिटेन से होती है, जहाँ पे हम इयान स्टोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। वो एक हॉकी प्लेयर है और आज उसका मैच था, लेकिन आज किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है और ये गेम ये लोग इयान के कारण ही हार जाते हैं। और इसी बात से इयान भी काफी दुखी था, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जेनी आती है और वो उसे काफी समझाती है, जिससे वो थोड़ा बेटर फील करता है। फिर इयान जेनी को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। अब यहाँ इयान एक घड़ी को नोटिस करता है जिसका टाइम पॉज हो गया है। अब जेनी का घर आता है और जेनी उसे अंदर बुलाती है, लेकिन इयान कहता है कि उसकी हालत खराब है, इसीलिए वो जल्दी घर जाना चाहता है। तभी जेनी के पेरेंट्स उसे अंदर बुलाते हैं। यहाँ पे इयान को उसके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी से जाते वक्त उसे रास्ते में कुछ बीच में पड़ा हुआ दिखता है और जब वो उसे चेक करने के लिए नजदीक जाता है तो जमीन पर पड़ा हुआ वो फिगर कांपने लगता है, जिसे डरकर इयान वापस कार में चला जाता है और वो 911 को डायल करता है। और वो दोबारा रास्ते पर दिखता है तो उसे रोड पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब अचानक से वो भयानक सा फिगर उसके ऊपर हमला कर देता है। इयान को उसकी कार से बाहर फेंकने के बाद उसे घसीटते हुए ट्रेन ट्रैक पर लेकर जाता है और वही उसे दबोच कर रखता है। देखते ही देखते वहाँ पे ट्रेन आती है और सीधा इयान के ऊपर से चली जाती है। अचानक से एक फोन बजता है और इयान की आँख खुलती है। वो खुद को अपने ऑफिस में देखता है। अब उसे लगता है कि उसने अभी अभी जो देखा वो एक बहुत ही बुरा सपना था। अब इयान वो काम करने के लिए लगता है, तभी वहाँ पे उसकी कलीग जेनी आती है। उसे समझ नहीं आता कि सपने में जेनी तो उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब यहाँ पे कलीग है, और वो उसे कुछ पेपर देती है। साथ ही जेनी उसे कहती है कि वो इस वीकेंड घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके पेरेंट्स को जेनी का अब तक सिंगल होना पसंद नहीं है। खैर, अब घंटों काम करने के बाद इयान घर जाने निकलता है, तभी उसके ऑफिस के लिफ्ट में एक आदमी आता है जो काफी डरा हुआ है, और एलिवेटर नीचे खुलते ही वह आदमी भागकर वहां से जाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद किसी अजीब कारण से उसे अटैक आता है और वो वहीं पे बेहोश पड़ता है। अब वहां पे लोग जमा हो जाते हैं उसे चेक करने के लिए। उन्हीं लोगों में से एक आदमी इयान को कुछ फेमिलियर लगता है, मानो उसने उसे देखा है, लेकिन उस आदमी के हाथ की नसें एकदम से काली पड़ रही थी। इयान को लगता है कि ये उसका इमेजिनेशन है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके घर पहुंच जाता है। आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था, इसीलिए वो ड्रिंक करने लगता है। या उसे फिर से अपने नेबर के घर के विंडो में कुछ अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ मैडी उसके पास आती है और उसे परेशान देख उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो इयान इन सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसा उसे एक रियलिस्टिक सपना आया था। इसके बाद इयान कहता है कि इस भीड़ में उसने एक आदमी को देखा जो उसे ओल्ड हॉकी के रेफरी जैसा लगा। ये सुनकर मैडी सरप्राइज होती है। वो कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम हॉकी खेलते हो। अब इयान कहता है, यार तुम्हें तो मैंने कितनी बार बताया है, और वो अपने कॉलेज की ईयर बुक निकालता है उसे दिखाने के लिए। लेकिन इस एल्बम को देख वो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि हॉकी टीम के पिक्चर में इयान की एक भी पिक्चर नहीं थी। वो उसे कहने लगता है कि यार मैं सच में हॉकी टीम में था, पता नहीं मेरी पिक्चर कहाँ चली गई। अब मैडी उसे ठीक फील करवाने के लिए आइसक्रीम खिलाती है। फिर दोनों भी इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। अब रात को इयान की नींद खुलती है और तभी उसे एक साया दिखाई देता है जो उसे कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है। और जब वो उसे फॉलो करते हुए नीचे आता है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इयान को फिर से लगने लगता है कि उसका ये इमेजिनेशन है, इसीलिए ऊपर आके सो जाता है। अब अगले दिन इयान बस से ऑफिस जा रहा होता है। वो अपने घड़ी में समय चेक करता है तो इस बार भी उसकी घड़ी पॉज होती है। तभी सामने वो दो लड़कों को देखता है जो उसे अपने हॉकी प्लेयर जैसे दिखाई दे रहे थे। अब इयान उनका पीछा करने जा ही रहा था, तभी एक आदमी से टकरा जाता है जो इयान को उसके नाम से जानता है। वो आदमी उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। मुझे पता है तुम्हें कुछ सपने आ रहे हैं जो काफी रियलिस्टिक है, लेकिन मैं यहाँ बात नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसे एक सेफ जगह चलने के लिए कहता है। इस आदमी का नाम ग्रे है और यहाँ पे वो उसे बताता है कि दरअसल वो कि इयान एक अलग अलग रियलिटी में फंसा हुआ है। जैसे ही तुम्हें उस रियलिटी के ऊपर शक आने लगता है, वो लोग तुम्हें मार देते हैं।
और फिर वो तुम्हें एक नए रियलिटी में डाल देते हैं जहाँ पे उसकी एक नई जिंदगी है और तुम्हें अपने पुराने जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। यान ग्रे से और भी चीजें पूछने लगता है लेकिन ग्रे की बातें वो समझ ही नहीं रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रे को एक डार्क क्रीचर अपने पास खींच लेता है। ये देखकर इयान वहाँ से डरकर भाग जाता है, लेकिन जाते वक्त इयान फिर से एक शख्स से टकरा जाता है जिसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। इयान को समझ आता है कि कोई अब उसके पीछे है, मारना चाहता है। अब वो भागते हुए अपने अपार्टमेंट के यहाँ पे आ जाता है और मैडी को कहता है कि वो लोग मेरे पीछे है। और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि मैडी भी वैसी ही एक डार्क क्रीचर है और उसी में बदल जाती है। यान मैडी के पास पहुंचता है तब वो उसे अपने क्लॉ से स्टैप कर देती है और उसे किस करते हुए कहती है कि तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं होनी चाहिए थी, अब मुझे तुम्हें वापस मारना होगा। और अचानक से हम देखते हैं कहानी वापस से शुरू होती है। हम देखते हैं इस जिंदगी में इयान एक टैक्सी ड्राइवर है और जेनी उसके साथ टैक्सी में है। यहाँ पे इयान को जेनी को देख के कुछ याद तो नहीं आ रहा है लेकिन ये लड़की उसे जानी पहचानी सी लगती है। घर पहुँचने पर जेनी इयान को कॉफी ऑफर करती है। जब इयान उसका वेट करता है तब उसे उसके नेबर के घर से कुछ अबनॉर्मल फील होने लगता है और इयान जेनी से कॉफी लेकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे गाड़ी में टाइम वापस से पॉज हो गया है। अब यहाँ पे इयान वापस से ग्रे से मिलता है। ग्रे को देख के उसे याद आने लगता है। तभी ग्रे इयान को टच करता है और इसी से इयान को अपनी पहली वाली जिंदगी के सारे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। ग्रे उसे बताता है कि जेनी की लाइफ खतरे में है, तुम्हें उसे बचाना है। उसके जाते ही इयान के ऊपर वापस से वो डार्क क्रीचर अटैक कर देते हैं और एक बार वापस से उसे मार देते हैं। अब अगेन इयान की आँख खुलती है, वो खुद को एक नई टाइमलाइन में दिखता है। लेकिन इस बार इयान को अपनी पुरानी जिंदगी याद है और वो जॉब की तलाश में एक ऑफिस में आता है जहाँ पे जेनी ही एचआर होती है। वो जेनी को बताता है कि कैसे जेनी की लाइफ खतरे में है, लेकिन अचानक से वापस समय रुक जाता है और वो डार्क शैडो इयान को दोबारा दिखाई देती है। इयान उससे बचकर भागता है और वो एक टैक्सी में चढ़ जाता है, पर वो शैडो उस तक पहुंच जाती है और इयान जान बचाने के लिए टैक्सी से बाहर कूद जाता है और एक्सीडेंट के चलते बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मैडी और उसके साथी एक बार फिर से उसे मार देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब वो उठता है तब वो खुद को एक ट्रैशी अपार्टमेंट में देखता है। इस लाइफ में वो एक ड्रग एडिक्ट है। सडनली कोई उसका डोर नॉक करता है। जब इयान डोर खोलता है तो उसे जेनी दिखाई देती है जो कि उसकी नेबर है। यानी यहाँ हम समझ पाते हैं कि जैसे इयान की लाइफ रीसेट होती है वैसे ही हमेशा जेनी की भी लाइफ रीसेट हुआ करती है। यहाँ जेनी इयान के घर में बज रहे लाउड म्यूजिक से परेशान होकर वहाँ पे कंप्लेंट करने आई होती है, लेकिन इयान की ऐसी हालत देखकर वो डरकर वहाँ से चली जाती है। अब इयान जेनी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इयान उसे अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम दोनों भी कपल हुआ करते थे। और धीरे धीरे जेनी को भी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद आने लगता है। लेकिन तभी इयान ने जो इंजेक्शन लिया था जिसके वजह से उसे थोड़ी चक्कर आने लगती है और जेनी को समझ पाती वो डार्क क्रीचर उसका डोर तोड़कर अंदर आने लगते हैं और वो दोनों भी अपनी जान बचाकर इमरजेंसी स्टेयर से भाग जाते हैं। मैडी और उसके साथी उन्हें फॉलो करते हैं। मैडी इयान को पकड़ लेती है पर जेनी मैडी को बैक पर नाइफ से अटैक करके उसे बचा लेती है। अब भागते भागते जेनी और इयान एक सबवे में पहुंच जाते हैं। जेनी उसे बताती है कि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। तभी वहाँ पे ग्रे आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो पहले से काफी वीक दिखाई दे रहा था। वो इयान को बताता है कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उन्हें हार्वेस्टर कहते हैं। ग्रे बताता है कि वो खुद भी एक हार्वेस्टर हुआ करता था, कि हार्वेस्टर इंसानों के डर पर जीते हैं। अब ये दिखाने के लिए वो एक ओल्ड पैसेंजर के पास जाता है और अपने रियल लुक में आकर उसे डराने लगता है। उसके डर से ग्रे को काफी पावर मिलती है और अब वो बेहतर दिखने लगता है। इयान उससे पूछता है कि आखिरकार ये चीज है क्या और मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तभी ग्रे बताता है कि हम सब पहले एंजल्स हुआ करते थे, लेकिन जब से हमें पता चला कि हम इंसानों के डर यानी पेन पर भी फीड कर सकते हैं तब हमें काफी मजा आने लगा और हम इंसानों को ही डरा कर उसके ऊपर जीने लगे। हम इंसानों को डरा कर उन्हें मारते भी है और उस डर से हमें पावर मिलती है और अब हमें हार्वेस्टर कहा जाता है। मेडी और उसके साथी तुम्हारे पीछे पड़े है क्योंकि तुम भी एक हार्वेस्टर हुआ करते थे और तुम हम
सबसे काफी ताकतवर हो, लेकिन तुमने उनके साथ कुछ तो बुरा किया था और जब तक वो नहीं चाहते तब तक तुम्हें अपने मेन जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। वो दरअसल तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन हार्वेस्टर एक ऐसी चीज है जो कभी भी मरती नहीं है और ना ही कोई तुम्हें मार सकता है। लेकिन ग्रे को समझ आता है मैडी और उसके बाकी के साथी जल्दी ही आने वाले हैं और वो यान को बताता है कि वो लोग आ गए हैं, तुम्हें जल्दी से उतर कर यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन ये लोग बच नहीं पाते और मैडी इयान को पकड़ लेती है और उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है। फिर मैडी इयान को जेनी को मारने के लिए कहती है। यहाँ पे इयान पूरी तरीके से मैडी के कंट्रोल में था, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो गलत कर रहा है। अब जेनी की जान बचाने का एक ही रास्ता है, इसीलिए वो उसे लेकर सीधा चलती हुई ट्रेन के सामने आ जाता है। इसके कारण दोनों मारे जाते हैं, जिसके बाद वापस से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। अब यहाँ पे इयान एक मेंटल हॉस्पिटल में है। इयान एक बहुत ही अजीब से टॉर्चरिंग डिवाइस में फंसा हुआ है, वो चीखने चिल्लाने लगता है। और इस टाइमलाइन में जेनी एक नर्स है। यहाँ पे जेनी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और यहाँ पे इयान उसके लिए बस एक कोमा पेशेंट है। कुछ देर में मैडी इयान के पास आती है और वो उसे कुछ ओल्ड मेमोरी का फ्लैशबैक देती है और पूछती है कि तुमने पहले भी कई हार्वेस्टर को मारा है, मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। अब यहाँ पे इयान कुछ भी बताने से इनकार कर देता है एंड मैडी उसे एक पॉइजनस इंजेक्शन देती है जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। फिर मैडी उसे कहती है कि तुम्हारे वुंड्स को हील करने के लिए तुम्हें किसी ह्यूमंस के ऊपर अब फीड करना होगा। तब भी हम देखते हैं इयान के बेड के पास एक बेबी होता है जिसे दूसरे हार्वेस्टर खुद को फीड कर रहे होते हैं। इयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी कमजोर हो गया है। मैडी के जाने के बाद यहाँ पे ग्रे आता है और वो इयान को बताता है दरअसल तुम अभी भी इतने स्ट्रांग हो जेनी के कारण, क्योंकि उसका प्यार ही तुम्हें बाकी हार्वेस्टर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसे ही उसके जिंदगी में भी कोई था और उसी प्यार की वजह से उसने कई हार्वेस्टर को भी मारा था। इसके बाद ग्रे कहता है कि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है, इसीलिए वो उसे खुद को फीड करवाने के लिए कहता है। अब पहले तो इयान मना करता है लेकिन कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए वो भी मान जाता है और ग्रे को फीड करने लगता है। और देखते ही देखते ग्रे का शरीर गायब हो जाता है और इयान वापस से पूरी तरीके से हील होकर काफी ताकतवर हो गया है और अब वो हार्वेस्टर फिर से वापस आ जाते हैं। और यहाँ इयान को हम पहली बार उसके पावरफुल हार्वेस्टर फॉर्म में देखते हैं। एक एक करके वो सारे बुरे हार्वेस्टर को मार देता है ताकि जेनी को बचा सके। वही दूसरी तरफ जेनी एक मॉर्ग में होती है, लेकिन तभी अचानक से वो लाश एक हार्वेस्टर होता है और वो दो हार्वेस्टर आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब यान उसे बचाने के लिए आता है और उसकी और मैडी की काफी लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं मैडी उसके ऊपर भारी पड़ती है और उसे उसके एक एक करके सारे रियलिटी में लेकर जाती है। अब इनके लड़ाई के बीच में मैडी जेनी को एज अ शील्ड यूज करती है, लेकिन तभी यान को समझ आता है कि अगर मैडी को मारना है तो एक इंसान की जरूरत पड़ेगी और वो जेनी के थ्रू मैडी को मार देता है। अब यहाँ पे मैडी मारी जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ अब जेनी भी मरने वाली थी। मरने से पहले ही यान जेनी से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और अपनी फीलिंग की पावर से ही और इसी चीज से जेनी के वुंड्स भी हील हो जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं इयान और जेनी वापस से अपनी एक जिंदगी जी रहे थे, जहाँ पे जेनी को कुछ भी याद नहीं है लेकिन इयान को सब कुछ याद है और वो एक पॉपुलर हॉकी प्लेयर है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।